अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इंडेक्स इस वक्त अपने हिस्टोरिक हाइज की तरफ है, अपनी बुलिश वेव को कंटिन्यू करा हुआ है इंडेक्स ने, और प्रीवियस वीक की तरह इस वीक भी इंडेक्स ने नए हाइज को पोस्ट करा। 59,000 का लेवल इंडेक्स ने अबूर कर लिया और इस वक्त उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो मोर देन 2300 पॉइंट्स का इंडेक्स ने इस वीक के अंदर गेन करा है विद अ नेट चेंज ऑफ 4%, और अगर हम मंथ टू डेट देखें तो तकरीबन 7000 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा इंडेक्स में इस रिकॉर्डिंग के वक्त देखा गया है, और तकरीबन मोर देन 14% ये नेट चेंज इंडेक्स के अंदर आया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अब तक। इंडेक्स जिस मोमेंटम के साथ जिस रैली को एंजॉय करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसमें ऐसा नज़र आता है कि 61,300 को इंडेक्स चैलेंज कर सकता है, जो कि 1.78% फिबोनाची एक्सटेंशन है, और साथ में इन बिटवीन 59,800 का एक रीजन है जहां पर माइनर रेजिस्टेंस इंडेक्स को फेस हो सकती है। इंडेक्स कंसोलिडेट कर सकता है इन एरियाज़ के पास आकर, और अगर हम सपोर्ट की बात कर लें तो 58,800 से 58,300 का रीजन इंडेक्स के लिए एक वेल सपोर्टेड रीजन नज़र आता है, जहां पर हाईली है कि वहां से इंडेक्स दोबारा अपने मोमेंटम को गेन करता हुआ नज़र आ सकता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स का जायजा लेते वक्त अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त 92 की रीडिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स शो कर रही है, जो कि एक ओवरबॉट रीडिंग है, एक कॉशियस अप्रोच को हाईलाइट करती हुई नज़र आती है, बट ये स्टिल जो है वो एक बुलिश कंटिन्यूएशन के साथ ट्रेड कर रही है, जिसके अंदर अपसाइड की जगह फर्दर नज़र आती है। इंडेक्स में ट्रेड करते वक्त स्ट्रैटेजी बाय की होनी चाहिए, स्टांस अपना बुलिश रखना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्टोरल पिक्स के हवाले से, तो सेक्टोरल पिक्स में हमने देखा कि कमर्शियल बैंक्स की तरफ से इस वीक के अंदर काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है, और इंडेक्स के गेन के साथ कमर्शियल बैंक्स का काफ़ी हद तक इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। सो कमर्शियल बैंक स्टिल लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, जिसके अंदर अगर हम मेनली बात कर लें तो मिज़ान बैंक, MCB बैंक, HBL बैंक और नेशनल बैंक हमें काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, इनमें पोजिशन को बिल्ड करना चाहिए। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की, सो इस वीक के अंदर टेक्नोलॉजिकल एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की जानब से भी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन देखा गया, और टेक्नोलॉजिकल एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से एवेंसियन, नेटसोल सिस्टम्स और TRG बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए। साथ में हम नेटवर्क लिमिटेड भी कम्युनिकेशन सेक्टर से अट्रैक्टिव नज़र आता है। फर्टिलाइजर सेक्टर से अगर हम देखें तो फौजी फर्टिलाइजर, बिन कासिम, FFVL और एंग्रो कॉरपोरेशन बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए। मेनली अगर हम दूसरी जानब देखें तो ग्लास एंड सेरामिक सेक्टर से गनी ग्लास लिमिटेड और तारिक ग्लास लिमिटेड लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एट दीज लेवल्स, इनमें पोजीशंस बनाना करामत साबित हो सकता है। फ्रॉम ENP सेक्टर, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन OGDC एंड PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इनमें डिप मिलने पर पोजीशंस को बनाना चाहिए। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस एट akdsl.com।